अब चेयर पे बैठ के भी ये बहुत ज़िद्दी बन गया है, खाता ही नहीं। अगर नहीं खाना रहता ना तो नहीं खाता है। ये देखो कैसा कर रहा है। देखो रिया नप्पा कर ले बच्चा की मम्मा ने पच बेचे। तू लो आई मेलू बेबी अको अपा ए सीधा मुंह फिरा ही देता है। बड़े होते हैं ना वैसे ज्यादा परेशान करने लगते हैं। रियान रियान मम्मा तेरे से कट्टा। मम्मा इज नॉट टॉकिंग टू यू नाउ। कट्टा रियान रियान मम्मा इज नॉट टॉकिंग टू यू। कट्टा 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 क्यों किया है वो देखो। ये देखो जैसे खाना देती हूँ ना तुम देखो ले। खाता ही नहीं है भाई, जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। तो सोचे ऐसे कट्टा करके देखते हो अगर समझ में आए तो, पर नहीं समझ में आया। मुंबई में ऐसे रेयरली कभी हुआ है कि मैंने फैन बंद किया है। यहाँ पे ऐसे फर्स्ट टाइम हो रहा है क्योंकि 23rd फ्लोर पे हमारा घर है और बारिश होती है तो ऐसी ठंडी हो जाती है ना, मेरे को तो ऐसा लगता है मैं बीमार हो गया हूँ। जैसे अंदर से फीलिंग आती है कि मैं बीमार हूँ। देखो कैसे बारिश गिर रही है बाहर। अभी ऐसा हाल है तो ठंडी में क्या हाल होगा इधर पता नहीं। मतलब अच्छा भी लगता है कि फैन अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल बच जाता है, फैन वैन बंद रख के मस्त बैठा चद्दर ओढ़ के, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी कुछ ज़्यादा ही बारिश का पानी अंदर आ चुका है देखो, तो यहाँ पे विंडोज़ बंद कर देनी पड़ती है नहीं तो सब गीला हो जाता है, कर्टन्स भी गीले हो गए देखो। चल भाई चल, मुझे लगा थोड़े टाइम में बारिश बंद हो जाएगा, इतना नहीं आएगा और ज़्यादा ही बारिश गिर गई। अभी सब विंडोज़ मेरे को बंद करनी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये डक्ट एरिया है, डक्ट एरिया से बहुत पानी आता है, बंद ही रखते हम लोग। तो आज मैं साइकेट्री पढ़ रहा था तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं थोड़े कि सुसाइड जो लोग करते हैं वो मोस्ट कॉमन मेथड क्या है, मतलब कैसे सुसाइड करते लोग। ज़्यादातर फांसी देके मतलब हैंगिंग करके सुसाइड करते हैं, और सुसाइड मेल्स में ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स से। फीमेल्स अटेम्प्ट ज़्यादा करते हैं पर मेल्स में स्टडी किया गया है कि मेल्स में सुसाइड ज़्यादा होता है और ओल्ड एज में ज़्यादा होता है सुसाइड। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो सिंगल है, शादीशुदा नहीं है, डाइवोर्स्ड है, उनमें भी ऐसा पाया गया है कि वो सुसाइड रेट ज़्यादा है उनमें। तो आज एक्चुअली मैं अपना ब्लॉग अब भी स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह तक जो थोड़ा ऐसे रियान के साथ टाइम पास किया वो आपको दिखा दिया। तो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, और थोड़ा तो सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब 300 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हो रहे यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है अपना? थोड़ा जल्दी फ्री हो गई हूँ, अभी बज रहे 2:30 और कोई आया नहीं है खाना खाने के लिए। हॉस्पिटल में काम है पर मेडिकल में काम नहीं है क्योंकि मेडिकल का काम हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ और सबका वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो आज फ्री हो गई तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। बच्चों में ना ब्रेथ होल्डिंग स्पेल होता है, एज इन छः मोस्टली ना ये 6 महीने के छः महीने से बड़े होते हैं बच्चों उन लोग में होता है। उसमें आपका जो बेबी रहेगा वो अचानक से अपनी आवाज़ निकाल रोते वक्त निकाल आवाज़ उसकी निकलेगी नहीं और वो उसका मुंह खुला रहेगा और आपको मतलब वो अपनी एक सांस रोक देता है, सांस लेना रोक देता है वो एक, तो उसकी वजह से उसका पूरे लिप्स ब्लैक हो जाएंगे, थोड़ा पर्पल कलर हो जाएगा उसका बॉडी। वो नॉर्मली 1 मिनट बाद अपने आप उसकी आवाज़ निकल जाती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ मतलब 1 मिनट बाद उसकी आवाज़ नहीं निकलती है तो आपको फटाफट हॉस्पिटल में भागना है। बहुत ज़्यादा स्कैरी है ये। रियान को भी सेम प्रॉब्लम है, इसको सीजर नहीं बोलते हैं नॉर्मली, ये 6 महीने के बाद बच्चों को होता है और 5 साल तक ऐसे हो सकता है बच्चों को, बड़ों में भी होता है पर मोस्टली ये बच्चों में होता है। रियान को तो शायद 2 महीने का था तब से चालू हो गया था ये चीज़। विशाल को भी है, विशाल के डैड को भी है, सबको ये प्रॉब्लम थी। तो शायद रियान को वो हेरिडिटी में हुआ है और नॉर्मली वो 1 महीने में उसकी आवाज़ निकाल देता है और वो बहुत ज़्यादा स्कैरी होता है वो देखना, मतलब कि भाई तुम्हारा बच्चा यहाँ पे आवाज़ नहीं निकाल रहा है, उसकी सांस रुकी हुई है, उसका कलर चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्कैरी होता है। पर कुछ नहीं कर सकते ये चीज़ का, इसका
उसको खाली नीचे रख दो या उसको खाली ऐसे बिठा दो ताकि उसको आजू बाजू की वो जो उसकी बॉडी ना पूरी स्टिफ हो जाती है, और क्योंकि वो सांस नहीं ले पाता तो उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, तो उसको एक ऐसे प्रॉपर स्पेस पे रख देना चाहिए जहाँ पे उसको आजू बाजू का हाथ लगे नहीं, उसके मुंह में कोई खाने की चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, बस उसको वहाँ पे रखना है ताकि वो अपने आप आवाज़ निकाल सके और उसको उस चीज़ की वजह से और कुछ लगे नहीं, इसलिए उसको एक प्रॉपर सरफेस पे सुला दो ताकि वो सेफ रहे। भाई अब वेट नहीं हो रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है यार, मेरे को इतना ज़्यादा भूख लगा ना, हमेशा यही होता है यहाँ पे हॉस्पिटल में काम करो ना तो 3:30 के पहले तो एक्सपेक्ट ही मत करोगे कोई खाना खाने आएगा। अभी बाहर से अंदर आई तब बाहर कोई नहीं था, अब अंदर से बाहर जा रही हूँ तो इतने सारे लोग कहाँ से आ गए यार, मतलब आज भी खाना लेट ही होने वाला है। मैं वो रूम में वेट कर रही हूँ और ये दोनों यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। भाई चलो मेरे को भूख लगा है, मम्मी का वेट कर रहे हैं, एक्चुअली मम्मी बाहर गई है, मैं वहाँ पे वेट कर रही हूँ कब से, वेटिंग फॉर मम्मी। प्रेम सोचता था कि मम्मी बैंक में गई है यानी इन वो नीचे टाइम पास कर रही है, हम लोग कब से वेट कर रहे हैं। देखो मासी ने तो डब्बा खोल के चालू ही कर दिया था, मैंने फोन किया और बच गए, वरना मम्मी को नीचे बैठी, हम लोगों को पता ही नहीं हम लोगों कब से उनका वेट कर रहे हैं। आज फिर भी जल्दी है, आज 2:30 को हम लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। ये इसका फेवरेट सलाद, हमारा सबका फेवरेट सलाद, ये अभी फटाफट खाली हो जाएगा, सबको आ जाने दो, फटाफट खाली हो जाएगा ये। मम्मी बैंक में गई थी तो फिर नीचे क्या कर रही थी? ऐसी में गई होती आज ये क्या ब्लैक लिपस्टिक लगाए? थक गई है बाप रे। दूसरी देवी आ गई है, हमारी अन्नपूर्णा आ गई है, अब आओ हम खाते हैं। अनुपमा तो मैं सोचता हूँ कि कोई बंदा 23 इयर्स का होके ओलंपिक्स में पहुंचा और उसने पहुंचा और गोल्ड मेडल लाया, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। वो नीरज चोपड़ा को मेरी तरफ से सल्यूट है, ये वीडियो तो वो देखेंगे नहीं, पर जब वो नेशनल एंथम प्ले हुआ इंडिया का, क्योंकि जो जिसको गोल्ड मेडल मिलता है उसका ही नेशनल एंथम प्ले होता है, तो एक गूज बम्स जो आए और जो फीलिंग आए, बहुत प्राउड है पूरे इंडियंस नीरज चोपड़ा के ऊपर गोल्ड मेडल लाने के लिए, वो भी जैवलिन थ्रो में। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखा आपने कि वो जब थ्रो पहुंचा भी नहीं था, उन्होंने थ्रो किया और तभी वहाँ उन्होंने सेलिब्रेट स्टार्ट कर दिया कि ये सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड जाएगा, मतलब गोल्ड मेडल लाएगा। ये कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे बिल्डअप नहीं होता है, इसके लिए सालों साल की प्रैक्टिस लगती है जो उन्होंने की है, तो सल्यूट है उनको इस चीज़ के लिए। तो इसको देखो ये मेरे को गुदगुली कर रहा है, मेरे टमी पे ना ऐसे किसी किसी करके गुदगुली कर। मैं भी उसको करती हूँ ना तो वो भी ऐसे सेम टू सेम कर रहा है। रियान बच्चा जो हाय बोलो, हाय। आज ना पहली बार मैंने उसको ना, मैं हमेशा उसके हाथ पे किस करती हूँ, तो आज मैं जब उसको किस की तो वो सामने ऐसे मेरा हाथ लिया, ऐसा किया, पहली बार किया उसने। अभी वो सिर्फ उसी टाइम पे किया, मैंने सोचा वापस रिकॉर्ड करती हूँ पर नहीं किया उसने यार, वापस एक बार ट्राई करती थी। बच्चा हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स, हैंड्स अप, हैंड्स। रियान रियान आ जाओ, रियान किसी किसी नहीं कर रहा है, नहीं करेगा। तो ये देखो पापा ने छोटा सा लैम्प ऑर्डर किया है, काफ़ी मस्त है, छोटा सा क्यूट, देखो दिखाता हूँ, ऐसा कुछ है ये, एकदम अच्छा है रात के लिए, जैसे कि बोले हमने पापा इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े दीवाने हैं। और ये हमारा स्पीकर अब तक अमेज़न वाले रिटर्न नहीं लेके गए, इसको अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज होने आ गए, अब कब लेके जाएंगे, नहीं चाहिए क्या? पैसे आपने दे दिए रिटर्न, ही लेके नहीं जाने के आप लोग को, फ्री में दे दिया हमको। आज मम्मी ने मेरे को सिर्फ एक काम बोला किचन में सामने से, मतलब मैं करते रहता हूँ छोटे मोटे काम, पर मम्मी ने एक काम बोला कि जो अपना क्या बोलते हो, कौन सा डब्बा बोलते हैं, मसाले का डब्बा, हाँ मसाले का डब्बा, वो मम्मी ने धोने के लिए डाला था, तो सब ट्रांसफर किया था वाटी में,
मम्मी ने बोला वो वाटी से फिर से धोए हुए डब्बे में डाल दे, मसाले डब्बे में। तो मैंने डाला और मेरे हाथ में थोड़ी हल्दी लग गई, तो मैंने थोड़ा पानी से धोया पर फिर भी थोड़ी हल्दी मेरे हाथ में लगी थी। और अपनी आदत क्या होता है, हाथ गीले हो तो सीधे से कपड़े पे साफ कर देते, तो मैंने साफ कर दिया। और ये देखो ये क्या हो गया, अब ये वाइट कपड़े पे हल्दी लग गई है। ये नहीं जाएगी, अब नहीं जाएगी, ऐसे ही रहेगी। ये भी क्या मतलब, ये जिम में मैं पहनता था, मेरे पास जिम में पहनने के लिए लिमिटेड कपड़े पहले से, तो ये भी गया। अब इसकी वजह से मेरे को नहीं पसंद कि ऐसे कोई कपड़े पर दाग लग जाओ, मेरे को पहनना पसंद नहीं है। और एक ब्लॉग में मेरे कपड़े पे चाय गिर गई थी, और वो तब से मैंने वो बनियान पहनी ही नहीं है, मतलब बनियान मतलब सैंडो टाइप वो पहना ही नहीं है तब से मैंने, मेरे को नहीं पसंद ऐसे, मतलब मेरा ध्यान बार बार उस पर जाता है कि गंदा है वो, होता है थोड़ा उसी टाइप बोल सकते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अभी क्या साइकेट्री पढ़ रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा लिंक होते रहता है। अभी पढ़ाई कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रही है, तो पढ़ाई पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ मैं। थोड़ा टाइम लग रहा है नए घर में आए, फोकस करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसे एडजस्ट होने में नए घर में, पर पहले से बेटर है, एडजस्ट हो चुका हूँ। और मेरे को बोलने का था कि सबसे कॉमन साइकेट्रिक इलनेस कौन सी पता है, एंग्जाइटी। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोला तो बेचैनी बोलते हैं उसको, कि दो टाइप के होते हैं, एक तो अंदर से जो सोचते हैं उसकी वजह से एंग्जाइटी हो सकता है, या फिर अपनी बॉडी रिस्पॉन्स देती, जैसे कि अपन बहुत लोगों के सामने जा रहे हैं तो उसकी वजह से अपने को एकदम से एंग्जाइटी फील होता है, तो उसमें टैकीकार्डिया हो जाएगा, मतलब हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पसीना स्वेटिंग होएगा एकदम से बहुत ज़्यादा, गला सूख जाएगा, वो सब होता है। और एक है स्ट्रेस की वजह से, टेंशन है या फिर इनसिक्योरिटी है कोई चीज़ का, वो सब वजह चीज़ की वजह से भी एंग्जाइटी हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन है साइकेट्रिक इलनेस एंग्जाइटी, 30% लोगों में रहता है ये, पर इसको लोग सीरियसली लेते नहीं है क्योंकि लगता है कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उस पर भी ध्यान रखना। टाइम हो रहा है 12:10 रात के, पढ़ाई कर रहा हूँ देख रहा हूँ, और थोड़ा शेड्यूल चेंज किया मैंने, तो अभी मैंने जिम का टाइम चेंज कर लिया है। जिम आजकल मैं शाम को जाता हूँ क्योंकि लॉकडाउन के नए रूल्स आ गए, तो रात को 8 बजे तक जिम खुला रहता है, तो इसकी वजह से मैं 5 o'clock को जाना स्टार्ट कर दिया, जैसे पहले जाता था। मॉर्निंग नहीं जम रहा है मेरे को, रूटीन नहीं बैठ रहा है ऐसे। तो ये ब्लॉग नीति ने मुझे एंड करने बोला था, तो चलो पार्टी आप वीडियो एंड करें, अगर वीडियो गमे हो तो लाइक नो बटन दबावे नहीं ना, बुक करी ना को सब्सक्राइब नो बटन दबावे नहीं ना, छंदा करी ना को, बाय बाय।